नमस्कार, स्वागत है आपका दी इंडियननेस में और मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में आज कौन नहीं जानता। आजकल हमारे देश भारत में इसका एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है। दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में कई ऐसे क्लब बन गए हैं जिनकी कॉमेडी वाली वीडियो आप यूट्यूब पर देखते ही होंगे। इसका क्रेज कुछ ऐसा है कि कल तक सिर्फ घर से ऑफिस और ऑफिस से घर करने वाले प्रोफेशनल्स भी अब इन जगहों पर अपने ह्यूमर स्किल के जरिए लोगों को हंसाने का टाइम निकाल कर पहुंच जाते हैं। हमारे देश में कैनवास लाफ क्लब, दैट कॉमेडी क्लब, काउंटर कल्चर कॉमेडी क्लब, क्लासिक रॉक कॉफी को, प्लेग्राउंड कॉमेडी स्टूडियो, लाफिंग कलर्स जैसे कई लाफ्टर क्लब हैं जहां हर रोज कई स्टैंड अप कॉमेडियन पहुंचते हैं। लेकिन एक कॉमेडियन ऐसे हैं जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। लोग इन्हें प्यार से कहते हैं कॉमेडी वाली बाई। कॉमेडी वाली बाई नाम सुनकर पढ़कर आपको जो समझ आया है वो बात एकदम सच है। कॉमेडी वाली बाई पहले एक मेड थी। जिंदगी कठिन थी लेकिन इसके बाद भी हंसने और हंसाने का एक इनबिल्ट ह्यूमर था, तो उतर आई कॉमेडियनों के अखाड़ों में और भारत के घर में काम करने वाली औरतों को लेकर जो सोच उसको भी चुनौती दे। हम जिनकी बात कर रहे हैं वो मुंबई की रहने वाली और पेशे से हाउसमेट कम स्टैंड अप कॉमेडियन दीपिका म्हात्रे। उनका चेहरा देखते ही आपके मन में पहली आवाज़ तो यही आएगी, सो क्यूट। वहीं जब वो स्टेज पर हंसी के गोले छोड़ती हैं तब तो लोगों की हंसी ही नहीं रुकती। दीपिका म्हात्रे अपने हाउसमेट से स्टैंड अप कॉमेडियन तक के सफ़र के बारे में बताते हुए कहते हैं, ये इतना आसान नहीं था। कॉमेडी का हुनर तो बचपन से था, मतलब जैसे दोस्तों में ये बात हमेशा होती थी कि मैं साथ रहूँगी तो बोरियत तो बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं मिला। दीपिका की माने तो वो जहाँ काम करती हैं उन्हीं में से एक है संगीता व्यास। म्हात्रे बताती हैं कि वो बहुत अच्छी और गरीबों के लिए काम करती हैं। उन्हीं की बदौलत कॉमेडी करने वाली उनकी आदत को एक पहचान मिली। दरअसल एक बार संगीता व्यास ने मेड और ड्राइवरों के लिए एक टैलेंट शो ऑर्गेनाइज किया था। इसी में म्हात्रे ने पहली स्टैंड अप कॉमेडी की। इस प्रोग्राम की वीडियो फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन अदिति मित्तल को मिली और उन्होंने फिर दीपिका को इनकरेज किया कि वो बड़े स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस दे। बस इसके बाद ही एक मेड का स्टैंड अप कॉमेडियन में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। लेकिन दीपिका की लाइफ स्टोरी इतनी भर नहीं है। स्टैंड अप कॉमेडियन होने के साथ उनकी रोज की लाइफ सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती थी। वो सुबह ट्रेनों में सफ़र करती हैं और इस दौरान वो यात्रियों को इमिटेशन ज्वेलरी बेचती हैं। इसके बाद 7 बजे मलाड के उप 5 घरों में से एक में पहुँचती हैं जहाँ वो मेड का काम करती हैं। 2 बजे तक यहाँ काम खत्म कर फिर 90 मिनट का सफ़र तय करके घर पहुँचती थी और घर पर फिर अपने अस्थमा के पेशेंट पति और 3 बेटियों की देखरेख करती थी। वहीं रात में ही वो अगले दिन सुबह के लिए वो इमिटेशन ज्वेलरी की पैकिंग करती थी। अभी फ़िलहाल दीपिका कुकिंग का काम छोड़ चुकी हैं लेकिन ट्रेनों में ज्वेलरी बेचने का काम अभी भी वो कर रही हैं। भारत में स्टैंड अप कॉमेडियन की बात करें तो ज़्यादातर आपको यंग लड़के दिखेंगे, तो कुछ कूल डूड या फिर थोड़ा क्लासी होंगे। एक और चीज़ कॉमन है, इनमें ज़्यादातर लोग उस प्रोफेशन से आते हैं जिसे हमारी सोसाइटी एक अच्छा काम मानती है। लेकिन दीपिका जब सलवार कमीज और दुपट्टे में स्टेज पर पहुँच कर कहते हैं कि मैं एक मेड हूँ, तो सारी पुरानी सोच टूट जाती है। उम्र भी बस एक नंबर बनकर रह जाती है। दीपिका दर्शकों को बताती हैं कि वो बहुत खास है। खास इतनी है कि जिस इमारत में वो काम करती हैं वहाँ उनके लिए एक खास लिफ्ट लगी है। जिन घरों में वो काम करती हैं वहाँ भी उनके लिए स्पेशल प्लेट और ग्लास होते हैं। उनकी इन बातों को दर्शक 1 से 2 सेकंड में समझ जाते हैं कि असल में वो भारत में घरेलू कर्मचारियों, नौकरानियों, रसोइयों और ड्राइवरों के साथ होने वाले व्यवहारों पर तंज कस रही होती हैं। वो अपने तंज में इस बात को बताती हैं कि एक हाई क्लास सोसाइटी उनके प्रोफेशन वालों के संग कैसा व्यवहार करती हैं। अलग अलग लिफ्ट उपयोग करने के लिए मजबूर करती हैं ताकि अमीर लोगों की यूज़ वाली चीज़ें गंदी ना हो जाएं। कॉमेडी में वो हर तरफ की बातों को बताती हैं, जैसे साहिब लोगों के हिसाब से उनके सामने नौकर को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। उनकी कॉमेडी में एक तरह से समाज में क्लास डिवीजन और अमीरों की उस मजबूरी जिसमें वो गरीबों को बराबर ट्रीट नहीं कर सकते को लेकर एक व्यंग वाला चोट होता है। तो कुछ ऐसी है स्टैंड अप कॉमेडियन दीपिका म्हात्रे की ओरिजिनल लाइफ। तो दोस्तों कैसी लगी दीपिका म्हात्रे हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल दी इंडियननेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।